मैं देवेंद्र, तो आपको पता ही है जैसे कि AWES की नोटिफिकेशन आ गई है, तो हम सब लोग आजकल तैयारी करने में लगे होंगे। आपसे तो अपना क्या करते हैं, अपना उस नोटिफिकेशन की डिटेल्स में तो नहीं जा रहे हैं कि भाई कितनी वैकेंसी क्या है, अपना क्या है टॉपिक पे कवर करना। तो अपना क्या करेंगे, अपना क्या है कंप्यूटर साइंस के बंदे, अपना कंप्यूटर साइंस के टॉपिक को पकड़ते हैं। तो अपना ने ले रखा ये PGT का सिलेबस, ठीक है। तो PGT का सिलेबस मैं आपको पहले बता दूँ कि नॉर्मल क्या होता है, क्वेश्चन क्या है 200 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग क्या 1/4, ठीक है। तो अगर आपका सही है तो +1 मिलेगा आपको, और रॉन्ग है तो 1/-1/4, ठीक है। तो अपना क्या करते हैं, आपको मेन क्या है अकेडमिक, किसी भी ले लो आप PGT TGT मतलब सब में जो मेन सब्जेक्ट है, आप चाहे मैथ्स का दे रहे हो फिजिक्स का दे रहे हो, अपना मेन क्या है अकेडमिक। तो 160 मीन्स 80% तो किसका आएगा आपके सब्जेक्ट बेस पे। तो अपना क्या है कंप्यूटर के बंदे, अपना को मेन फोकस क्या करना है कंप्यूटर पे। तो अपना क्या करते हैं, चलो ये सिलेबस दिखा हुआ है तो अपना क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, अपना मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट अपना MCQ से करेंगे। तो मैं आपको अपना टॉपिक भी एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं जो आप सैंपल आपको MCQ दिखाऊंगा 100% तो नहीं है, वो ही आएंगे, लेकिन उससे आपका क्या है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दिए, मैं आपको ओवर मेल आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन से। तो अपना क्या करते हैं इस वीडियो में, अपना इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, इनका बेसिक समझेंगे और इनसे रिलेटेड MCQ। तो अपना क्या करेगा, जैसे ही होगा अपने पहले अपना बेसिक समझते हैं, अपने आप फिर MCQ क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो बेसिक स्टार्ट करते हैं अपना पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या क्या समझना है, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम आपको सबको पता है कि भैया कंप्यूटर क्या होती है, एक मशीन है। सिंपल टर्म्स में क्या कह रहा हूँ मैं, कंप्यूटर क्या है, मशीन है। तो अब जैसे ही आपको पता है कि भैया मशीन है, तो अपना वर्क क्या कर रहा है कंप्यूटर में, क्या है कि अपना भैया कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, ऑपरेशन। अब कंप्यूटर क्या मेन क्या चीज बन जाता होता है इससे, क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या चीज है, ठीक है, हार्डवेयर वो चीज है जिसे अपना टच कर सकते हैं, सिंपल टर्म्स में कहूँ मैं तो हार्डवेयर क्या है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे भाई किसी काम को, तो वो क्या हो गया फिजिकल कंपोनेंट, तो हार्डवेयर हो गया। जैसे कि सपोज करिए मैं किसी को टच कर पा रहा हूँ, जैसे सपोज करे कीबोर्ड हो गया, मैंने टच कर लिया, माउस हो गया, ये सारे क्या है फिजिकल कंपोनेंट जिसे मैं देख सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर में क्या है, फिजिकल तो पता चल गया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भैया ये काम कर दे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि भैया MS वर्ड है, मैं टाइप कर रहा हूँ तो भैया तू टाइप कर, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए अपने सॉफ्टवेयर। अब बात आती है इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फर्क है, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब क्या है, जिसे मैं टच कर सकता हूँ। इनपुट डिवाइस क्या है, जिससे मैं कंप्यूटर को इनपुट दे सकता हूँ। सपोज करिए कीबोर्ड से मैं कह रहा हूँ कि भैया कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैंने वो टाइप करा, मैंने इनपुट दिया। माउस से मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ। माइक्रोफोन से कुछ बोल रहा हूँ कि भैया वो एक्शन करो, मैं इनपुट दे रहा हूँ। स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ। ऐसी क्या आउटपुट डिवाइस, जिससे मेरे पास आउटपुट आ रही है। मॉनिटर, मॉनिटर पे गया मेरे को आउटपुट दिख रही है, मैंने क्या क्लिक करा। लेकिन यहाँ पे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है क्या हकीकत में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर है, मैं तो टच कर सकता हूँ भाई उससे, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया सारी हार्डवेयर चीज इनपुट डिवाइस है, ऐसा कुछ नहीं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों अलग है, इनपुट आउटपुट अलग है। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर है, इसमें आउटपुट डिवाइस है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ये सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर के हार्डवेयर। अब CPU की अगर आपको फुल फॉर्म नहीं आती, आप रट्टा मान लो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है कंप्यूटर का ब्रेन है। सारा जो भी फंक्शनैलिटी होती है ना कंप्यूटर की, वो CPU हैंडल करता है। इसके अंदर देखो ALU आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है जितने मैथमेटिकल और लॉजिक टास्क है ना ऑपरेशन, वो सारी ALU परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या है, ये जितने भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सारे क्या कर रहा है, ये हैंडल कर रहा है, लेकिन ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहा। और रजिस्टर क्या है, एक अपना एक स्मॉल स्पेसिस है जो क्या कर रहा है, डाटा स्केस कर रहा है CPU के केस में। मेन टॉपिक आ जाता है अपना मेमोरी पे, मैं आपको थोड़ा क्विकली बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अपना को इतना टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सुनने, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अपने बहुत डिटेल लेवल पे पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे टॉपिक्स का होगा भाई मिड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, थोड़े मिड, कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वो जाके पाइथन में जाके कुछ क्विकली क्वेश्चन आएंगे, इनपे आउटपुट उस पर भी जाएंगे डीप में। तो ये तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें अपना ज़्यादा टाइम भी नहीं खराब करते, ठीक है। मेमोरी की बात करो, मेमोरी क्या है, डाटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी। जब भी मैं मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ ना, प्राइमरी मेमोरी भी इसमें आता है, रैम, रोम और कैशी, ठीक है। अब देखो जब भी इसमें दो चीज़ होती है, रैम और रोम।
रैम और रोम की, एक तो फुल फॉर्म याद कर लो, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रैम जब भी मैं कह रहा हूँ ना, इसका मतलब वॉलेटाइल, जब भी वॉलेटाइल की बात हो रही है 100% आंसर यह है रैम। वॉलेटाइल का मतलब यह है कि भैया जब तक सिस्टम ऑन है तब तक ही हम उसको यूज कर पा रहे हैं, जैसे ही सिस्टम बंद सब खत्म, तो वो क्या है रैम। और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल, जब भी नॉन वॉलेटाइल वो क्या है, देखो नॉन वॉलेटाइल ठीक है, और रैम क्या है वॉलेटाइल, ठीक है। ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझने। कैशी मेमोरी क्या होती है, कैशी देखो अगर आप जब भी सबसे ज्यादा फास्ट की बात करी होगी ना भैया, कि सबसे ज्यादा ऑपरेशन फास्ट कौन सी मेमोरी यूज हो रही, कैशी। अगर आप कभी अपने सिस्टम पे करोगे, कोई वेबसाइट खोलोगे ना, वो भी आपसे कैशी डाउनलोड करने के लिए करता है, क्योंकि वो क्या करता था सिस्टम पे कर देता, जो भी हम बार बार एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, वो कैशी में उसे सर्वर पे जाके उसे डाउनलोड डीबी में जाके चेक ही नहीं, वहीं से करके सीधे दे देता है, कुछ टाइम बाद वो कैशी रिफ्रेश हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में तीनों आ गया, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ तो हार्ड डिस्क आ जाती है, जब जहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर आप यूनिट्स ऑफ मीजर, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ठीक है, बिट। फिर उसके बाद एक बाइट के अंदर एक 8 बिट्स आ रही है, ठीक है, 1 किलोबाइट्स के अंदर 1 0। तो ये क्या है, ठीक है, सिक्वेंस। अगर आपको रट्टा मारना है जैसे करना है करो, हमें क्या है पेपर निकालने से मतलब, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि भाई अब इसमें कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें तो आपको नॉर्मल रटनी भी पड़ सकती है, जैसे प्रोग्राम है मेरे को सम ऑफ डिजिट, उसमें मैं अपना कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, यहाँ पे अपने को पेपर निकालने में, ठीक है। तो पेपर निकालने के हिसाब से आप ये अपने हिसाब से कर लिए जिस तरीके से आपको बढ़िया लगे। अब जाते हैं अपने MCQ पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा था आपको हार्डवेयर, ठीक है, इसमें से बताओ हार्डवेयर मैंने क्या कहा था, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, क्या कहा था मैंने आपको, जिस चीज़ को अपना क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं, वो क्या है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर अब इसमें देखो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लिनक्स ये होते हैं, मैं उन्हें टच थोड़ी कर सकता हूँ, प्रिंटर है उसको तो मैं टच कर सकता हूँ, वर्ल्ड को नहीं कर सकता। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या होगा आप खुद देता हो, इतना अपने टाइम भी नहीं देना, क्या आंसर होगा अपना प्रिंटर, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में अपना ने क्या करा, जो भी इसमें हार्डवेयर पूछा हमने, हार्डवेयर क्या हो गया प्रिंटर, क्योंकि फिजिकल डिवाइस है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखे। तो ये जो भी मैं आपको ये MCQ दिखा रहा हूँ या ये जो नोट्स दिखा रहा हूँ अपने जो बने हुए, अगर किसी को भी ये चाहिए, ठीक है, और मैं क्या करूँगा अपने कंबाइन भी करता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको चाहिए आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दिए, मैं आपको मेल पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब ये हो गया आपको पता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी बात आ रही है ना भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की, कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वैसे तो ये मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ रही है लिनक्स, ठीक है, विंडोज, ये क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मैक, तो वो हमेशा क्या होता है सिस्टम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कोई मुझसे पूछ रहा है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम विंडोज किसका है, मेरे सिस्टम पे विंडोज अवेलेबल है, ठीक है। विंडोज क्या है सिस्टम, तो सिंपल टर्म्स में अगर वैसे करो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन पे, अपना इस पे चलते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं। हार्डवेयर मैंने क्या कहा था, जिसे मैं टच कर सकता हूँ, कीबोर्ड को मैं टच कर सकता हूँ, हाँ भाई कीबोर्ड को कर सकता हूँ, एंटीवायरस को टच कर सकता हूँ, नहीं, मॉनिटर को कर सकता हूँ भाई, CPU को कर सकता हूँ, तो वहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉट पूछा हमने, एंटीवायरस। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस, सॉरी आंसर तो पहले देख लिया, CPU को डाटा सेंड करने का नहीं है, आउटपुट का क्या है अपने को दिखाने का, तो क्या होगा डिस्प्ले, हमें क्या करेगा डिस्प्ले करने का, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई आउटपुट करेगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से मिल गया, अपना चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नॉट अ प्राइमरी मेमोरी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्राइमरी मेमोरी की जब भी बात कर रहा हूँ ना, क्या कह रहा हूँ मैं, सेकेंडरी रैम रोम और ये कैशी क्या है, ये सारी प्राइमरी मेमोरी है, नॉट है, नॉट में क्या आएगा हार्ड डिस्क, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मेन सर्किट, देखो भाई कभी भी आपका कंप्यूटर की बात है ना, तो जो मेन सर्किट की जब भी बात हो रही है, मदरबोर्ड, अगर आपको कभी कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो गया तो वो क्या कहते हैं भाई ये मदरबोर्ड में खराबी है, मदरबोर्ड सही करना, तो मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो अपनी पूरे सारे सिस्टम को एक दूसरे से क्या करता है कनेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जब भी मेन सर्किट करके बात कर रहा हूँ मदरबोर्ड, ठीक है, समझ गए आप बात यहाँ पर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, नॉट कंटेन स्टोरेज डिवाइसेस में से कौन सी नहीं। जब भी मैं स्टोरेज, देखो रैम क्या कहा था मैंने वॉलेटाइल, स्टोरेज मतलब जो स्टोर करता है, रैम क्या है वॉलेटाइल, तब तक ही इसमें स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, जैसे ही बंद खत्म। तो रैम क्या है स्टोरेज डिवाइस कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर नहीं रहता, तो इसे कभी भी स्टोरेज डिवाइस नहीं करते।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा रखा, तो मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल मैंने आपको बताया, वोलेटाइल का मतलब क्या है सिंपल टर्म्स में, जब तक सिस्टम ऑन है तब तक डाटा है, जैसे सिस्टम ऑन सारा डाटा गया, कहाँ पे आपको ये दिख रहा है साफ। वोलेटाइल जब भी वन कर रहा हूँ तो आप समझ गए, देखते ही आंसर, हमें ऑप्शन नहीं पता, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मैंने आपको बताया था, वोलेटाइल जब भी बात कर रहा हूँ रैम की बात कर रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल बात करूंगा तो रॉम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये पता चल गया वोलेटाइल का मतलब जब सिस्टम बंद डाटा गया, रॉम का मतलब क्या है नॉन वोलेटाइल, सिस्टम नहीं गया तब भी डाटा अपने पास बचा हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखो स्मॉलेस्ट यूनिट, यहीं पे भी अपना ने पढ़ा था भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, बिट, पता चला था ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जब भी बात कर रहे हैं बिट आएगा। सीपीयू, सीपीयू की अपना ने फुल फॉर्म पहले ही पढ़ी थी भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या पढ़ा था अपना ने, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ चीजें आपको रट्टा भी मारनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंटली असेस डाटा टू स्पीड अप, सबसे फ्रीक्वेंटली जब बात कर रहा हूँ ना प्राइमरी सेकेंडरी, तो मैंने क्या कहा था कैशी मेमोरी सबसे फास्ट, ये आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, मैंने आपको बताया था जब भी सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ ना तो वो क्या आता है हार्ड डिस्क, जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है भाई, सेकेंडरी मेमोरी से। अब बात आ गई, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच यूनिट अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर। अब देखो अपना ने यूनिट तो बताया था हर्ज, ये तो होती नहीं, हर्ज क्या होती है स्पीड, अगर कंप्यूटर में देखा जाए एम्पेयर भी नहीं है वाट भी नहीं, अपनी क्या है बाइट, अपने को पता है, चलो अपना ने बाइट करा। देखो सिक्वेंस आ गया भैया, अपने को यहाँ पे सिक्वेंस आपको बताया था कि सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट कौन सा बिट, तो आपको दिख ही रहा है भाई बिट सबसे स्मॉलेस्ट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट। अब सपोज करो बिट इसमें होता ही, तो अगर अपनों को ये सीक्वेंस पता होता तो अपना उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। तो 99% क्या होगा, जो भी अपना ने क्वेश्चन करे हैं, हो सकता है डायरेक्टली नहीं आया लेकिन इनडायरेक्टली, सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, फैच तो करता है डिकोड, डाटा को स्टोर करने का फंक्शन किसका होता है मेमोरी का, अपना नहीं सीपीयू का करता है, सीपीयू क्या कर रहा है फैच कर रहा है डिकोड कर रहा है, सीपीयू का सारा एक्शन परफॉर्म करने का, ठीक है। तो डाटा स्टोर करने का इसका काम नहीं है, डाटा सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी ये मेमोरी करेंगे, सीपीयू काम क्या है इंस्ट्रक्शन आया अपने पास, किसी ने कुछ कहा कि भैया ये करो, अपना ने देखा उसका इनपुट क्या आया, अपना ने परफॉर्म किया और आउटपुट भेज दिया, ठीक है, जो भी वो भेज रहे। देखो रीड रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीम की रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, समझ गया बाद में। तो इसका क्या करना है आपने, रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था सबसे फास्ट क्या है, कैशी, फिर रैम, फिर रोम, फिर हार्ड डिस्क सबसे लास्ट में, ठीक है। फास्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे नंबर पे रैम, रैम इसमें फास्टेस्ट पूछी है, ये नहीं पूछा कि भैया वाला टाइल या नॉन वाला टाइल, रोम है रैम में डाटा उड़ जाता है, लेकिन जिस टाइम पे कंप्यूटर में है उसमें ये फास्टर है, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपने इतने क्वेश्चन हो गए, अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये सेट या आपको ये जो भी मैंने आपको बताया एमसीक्यू के एग्जांपल या फिर ये जो आपको बेसिक हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया था इसका अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप, या सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अपनी ईमेल आईडी शेयर करके, मैं आपको मेल पे शेयर कर दूँगा। ओके गाइस, थैंक्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।